नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय में हुई झड़प, प्रशासन की सूझबूझ से थमा बड़ा विवाद। भागलपुर एसएसपी ने दो अलग अलग मामलों का किया खुलासा, बोले अपराधी कितने भी शातिर हो बच नहीं सकते। टीएमयू के नए एनएसएस समन्वयक ने संभाला पदभार, कहा राष्ट्रीय पहचान दिलाना पहली प्राथमिकता। हेलोमेट्स हॉस्पिटल ने मनाई दूसरी वर्षगांठ, अनाथालय में लगाया शिविर। और निगम के कर्मियों ने रैली निकालकर दिया स्वच्छता का संदेश। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस जिला नौगछा के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत खरीक बाजार में दो समुदाय के बीच झड़प की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक खरीक थाना क्षेत्र के खरीक बाजार में रामनवमी के मौके पर शुक्रवार की देर शाम ग्रामीणों के द्वारा प्रतिमा विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई थी। प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे ग्रामीणों पर कुछ लोगों के द्वारा पत्थर फेंकने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही नौगछा एसडीपीओ उत्तम कुमार, एसडीओ दिलीप कुमार, पुलिस जिला नौगछा के सभी थाने के थाना अध्यक्ष बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां काफी सूझबूझ के साथ मामले को शांत कराया गया। वही तनाव को देखते हुए देर रात भारी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर कैंप करती रही। वही नौगछा एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि दो पक्षों के बीच में हल्की फुल्की झड़प हुई है, लेकिन मामला सामान्य हो गया है। दोनों समुदाय के बीच जो कन्फ्यूजन था उसे दूर करने का प्रयास वे कर रहे हैं। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। खरीक में मूर्ति विसर्जन करके लोग लौट रहे थे, तो मूर्ति विसर्जन भली भांति हो गई थी। लौटने के क्रम में थोड़ा विवाद हुआ है मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच में, उसमें थोड़ी सी झड़प हुई हल्की फुल्की, लेकिन फिलहाल एकदम कंट्रोल है। किसी तरह का कोई र्यूमर नहीं है। आप देख रहे होंगे कि SDM सर भी हैं और हमारे लगभग ज़िले के ज़्यादातर थानेदार और फोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। पीस कमेटी के मेंबर भी हैं, ये प्रमुख साहब हैं और ये यहाँ के मुखिया रहे हुए हैं पहले से, तो हिंदू मुस्लिम दोनों सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो दोनों कौम के बीच में कन्फ्यूजन हुआ है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल एकदम शांति है और इस शांति को बरकरार रखने के लिए और जो भी उपाय किया जाना है वो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। हर जगह फोर्स का डिप्टेशन करेंगे और माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। घायल भी हुए? हाँ, एक महिला के घायल हुई हैं, उनको चोट लगी है, तो उनके तरफ से भी आवेदन आ रहा है। आवेदन आ जाएगा तो FIR करेंगे और दोषियों के विरुद्ध एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर पुलिस ने दो अलग अलग थाने के कांडों का उद्भेदन करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। SSP ने बताया कि कचरली थाना क्षेत्र के अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग स्थित शक्ति फ्यूल सेंटर पेट्रोल पंप पर दो बाइक सवार 6 अपराध कर्मी नोजल कर्मी से हथियार का भय दिखाकर मारपीट करते हुए 62,000 रूपए एवं 3 मोबाइल लेकर भाग गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था की निगरानी में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से दो अपराध कर्मी मोहित कुमार और गुलशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए CCTV फुटेज में दिखने वाले एवं घटना में शामिल 6 अपराध कर्मी की पहचान की, जिसमें से 4 अपराध कर्मी हबीबपुर थाना क्षेत्र के एवं 2 अपराध कर्मी बांका जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साथ ही गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा एवं 1 गोली बरामद किया गया। साथ ही दोनों अभियुक्तों के पास से पेट्रोल पंप कर्मी के लूटे गए स्क्रीन टच 2 मोबाइल एवं डकैती किए गए उनके हिस्से का 4,100 रूपए बरामद किया गया। वही दूसरे मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि सबौर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात खानकित्ता पुल से आगे NH 80 पर 6 अपराध कर्मी के छिनछोर करने का प्रयास करने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद गश्ती
पदाधिकारी एवं पुलिस बलों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छिनछोड़ कर रहे 6 अपराध कर्मियों में से 3 की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार आरोपी के पास से अवैध आग्नेयास्त्र, 2 गोली, मोबाइल एवं 2 मोटरसाइकिल जब्त किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों की पहचान सुजीत कुमार, पंचा कुमार और अनुज कुमार के रूप में हुई है। कजरेली थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप है, माँ शक्ति फ्यूल सेंटर, वहाँ पे 6 अपराधियों के द्वारा और वहाँ पे जो नोजल मैन थे उनके साथ मारपीट की गई और कुल 62,000 रुपये की डकैती की गई और इसके साथ ही साथ 3 मोबाइल लूटा गया, जिसमें से 2 मोबाइल स्क्रीन टच मोबाइल था और 1 सिंपल मोबाइल था। एक टीम बनी जिन्होंने इस पूरे घटना के उद्भेदन के लिए काम करना शुरू किया और लगभग पिछले 90 घंटे से ये लोग लगातार इस पर काम कर रहे थे। कुल 15 लोगों से गहन पूछताछ हुई जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और हम लोगों ने बहुत सारे तकनीकी साक्ष्य संकलित किए। CCTV फुटेज के आधार पर हम लोगों ने उस ग्रुप को चिन्हित किया जिसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया और इसमें कल रात में एक बड़ी सफलता टीम को मिली, जिसमें कि एक अपराधी गुलशन को कटिहार के कोठिया थाना से गिरफ्तार किया गया और इसमें शामिल एक अपराधी जो मोहित जिसका नाम है उसको हबीबपुर थाना के तकीचक से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 2 कट्टा, इन लोगों के निशानदेही पर 2 कट्टा और 1 कारतूस बरामद किया गया। इसके साथ ही साथ ये जो 2 मोबाइल मेरे हाथ में दिख रहा है, ये दोनों मोबाइल की लूट हुई थी उसी नोजल मैन से। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने PG दर्शन शास्त्र विभाग के शिक्षक डॉक्टर राहुल कुमार को NSS कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर शुक्रवार को कुलसचिव गिरिजेश नंदन कुमार ने पत्र जारी किया। जारी किए गए पत्र में विश्वविद्यालय के NSS समन्वयक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार का त्याग पत्र स्वीकार कर डॉक्टर राहुल कुमार को नियुक्त किया गया है। पत्र में कहा गया कि जब तक इस पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं होती है तब तक इस पद पर PG दर्शन शास्त्र विभाग के शिक्षक डॉक्टर राहुल कुमार रहेंगे। वही रजिस्ट्रार द्वारा आदेश जारी होते ही डॉक्टर राहुल ने शुक्रवार को ही अपना योगदान दे दिया। इधर शनिवार को डॉक्टर राहुल कुमार को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, DSW प्रोफेसर योगेंद्र, PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत कई अधिकारियों ने बधाई दी। इसके पूर्व डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने कार्यालय आकर नए NSS समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार को कुर्सी पर बैठाया। वे विश्वविद्यालय के नए NSS समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने सभी का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास करेंगे। विश्वविद्यालय NSS समन्वयक डॉक्टर राहुल ने एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाने और किसी कारणवश रुके हुए सभी कामों को जल्द पूरा करने की बात कही। इस अवसर पर निखिल झा, लाडली, मूलचंद समेत कई कर्मी मौजूद थे। भागलपुर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में शुमार हेलोमेट्स हॉस्पिटल ने अपनी प्रतिबद्धता का 2 साल पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अस्पताल शनिवार से तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया। वही हेड पोस्ट ऑफिस के समीप स्थित हेलोमेट्स हॉस्पिटल में स्थापना का 2रा वर्षगांठ शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल की ओर से नागनगर रामानंदी देवी हिंदूनाथालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाया गया, जिसमें बच्चों का चेकअप किया गया, साथ ही जरूरी दवाइयाँ मुफ्त में दी। कार्यक्रम का शुभारंभ अस्पताल के निदेशक आनंद प्रियदर्शी, डॉक्टर दीक्षा प्रियदर्शी, डॉक्टर सुदर्शन सिंह, स्वर्णा कुमारी, शशिकला देवी और अनाथालय के कर्मी एवं बच्चों ने संयुक्त रूप से केक काट कर किया। वही हॉस्पिटल की ओर से अनाथ बच्चों को भोजन कराया गया। मौके पर डॉक्टर सुदर्शन सिंह ने कहा कि अनाथालय में हॉस्पिटल का वर्षगांठ मनाकर उन लोगों को आत्मसंतुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि आगे भी वे लोग समय समय पर चिकित्सा परामर्श शिविर लगाते रहेंगे। जबकि डॉक्टर दीक्षा प्रियदर्शी ने कहा कि पिछले 2 साल में हमने रोगियों का उपचार बेहतर ढंग से करने का प्रयास किया। हॉस्पिटल के 2रे वर्षगांठ पर उन्होंने बताया कि हमारी टीम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वही हेलोमेट्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर आनंद प्रियदर्शी ने कहा कि रोगियों का सही इलाज और देखभाल हमारी प्राथमिकता रही है। उन्होंने भागलपुर वासियों के साथ जुड़ने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर हॉस्पिटल में निःशुल्क OPD सेवा विस्तार करने की बात कही। निदेशक
ने बताया कि हमारे यहाँ फिलहाल प्रत्येक बुधवार को फ्री ओपीडी रहती है। आनंद ने जानकारी दी कि पिछले 2 वर्ष में हजारों पेशेंट ने अस्पताल से परामर्श लिया एवं सैकड़ों रोगियों ने भर्ती होकर इलाज करवाया। साथ ही 2 दर्जन से अधिक दुर्लभ सर्जरी की गई और कई ऐसे व्यक्तियों की जान बचाई गई जिसको गोली लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी हेलोमेट्स हॉस्पिटल ने 24 घंटे रोगियों को सेवा प्रदान करता रहा। इस अवसर पर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कर्मी उपस्थित रहे। पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को नगर निगम के कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान भागलपुर के बरारी घाट समेत विभिन्न क्षेत्रों में पॉलिथीन बैग के जगह कपड़े का थैला इस्तेमाल करने की अपील की गई। साथ ही रैली में DNULM टीम की महिलाओं ने सहयोग किया। उन्होंने बताया कि पॉलिथीन का इस्तेमाल करने से शहर के नाले तो जाम हो ही रहे हैं, साथ ही इसका प्रतिकूल असर सभी जीवों पर पड़ रहा है। वही जयप्रकाश यादव ने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करने की बात कही। इस दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत बरारी गंगा तट पर महाआरती का भी आयोजन किया गया। मौके पर विनय यादव, मृत्युंजय कुमार सिन्हा समेत कई लोग मौजूद रहे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। जिले में अपराध नियंत्रण के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, बावजूद इसके अपराधियों के हौसले बुलंद है। भागलपुर में गोलीबारी की घटना आम बात हो गई है। ताजा मामला भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के साहिबगंज का है, जहां पीपल गाछ के समीप अपराधियों ने गोविंद कुमार को गोली मार कर घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति का कहना है कि कुछ लोगों के साथ उनका विवाद हुआ था और वे अपने घर के पास थे। इसी बीच 20 से 25 की संख्या में लोग पहुंच गए और पहले उसकी लाठी डंडे से पिटाई की गई और फिर उसे गोली मार दिया गया। साथ ही बताया कि इससे पहले इन लोगों के द्वारा उसका टोटो भी रोकने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था। मेरा चचेरा भाई है, खेत से आ रहा था टोटो ले, ठीक है, उसको एक बार छेका जबरदस्ती की, मतलब कि रुको यहाँ, नहीं जाओ नहीं जाएंगे इधर। उसके बाद फिर आगे बढ़ के छेक लिया, बिल्कुली चौक के नीचे स्कूल के पास छेक लिया उसको, नहीं जाने दिया, घीस तीर करने लगा। उसके बाद वहाँ से मामला संता तो फिर घर गया सर, उसके घर पे गए, उसके माँ बाप को समझाने के लिए इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम सब लड़ाई झगड़ा करने लागू में है, खेत से आ रहे थे। उसके बाद उसका परिवार जो है हो जाए, उसका फोन किया उसको, मैं भाई यादव को पूरा टीम लेकर आ गया, फाइटर उटर लेके मारपीट करने के लिए, मारने पीटने लगा वो अपने घर पे। उसको जब समझाने गया था उसको माँ बाप को, ऐसे ऐसे किया वो, इसीलिए गोली मारा, कहाँ गोली मारा है? मेरे घर के पास, पीपल गाछ के पास। कहाँ गोली लगाई? मथा में।
चैत्र नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद नाथनगर के विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का शनिवार को धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाला गया। मूर्तियों के विसर्जन के लिए युवाओं की टोली जयकारे लगाते धूमधाम से विसर्जन घाट की ओर बढ़ती रही। लोक भक्ति गीत और बैंड बाजे की धुन पर झूमते दिखे। वही जिला प्रशासन के द्वारा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के सदस्य भी साथ साथ चलते रहे। भक्तों ने नम आंखों से माता को विदाई दी। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत करहरिया पंचायत के वार्ड संख्या 2 में चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर नव युवक कला परिषद कन्या विद्यालय करहरिया के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन थाना प्रभारी कन्हैया झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वही पूर्व मुखिया विभूति भूषण सिन्हा, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संजीव कुमार सिंह ने थाना अध्यक्ष को अंग वस्त्र एवं फूल माला से स्वागत किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष कन्हैया झा ने शांतिपूर्ण तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 1 में चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर बजरंगबली नाटक क्लब परिषद उत्तर टोला के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुखिया प्रतिनिधि मंटू कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वही नाटक क्लब परिषद के अध्यक्ष कपिल देव सिंह और सचिव सुमन कुमार ने मुखिया प्रतिनिधि को फूल माला एवं अंग वस्त्र से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुखिया प्रतिनिधि ने शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। और अब में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय में हुई झड़प, प्रशासन की सूझबूझ से थमा बड़ा विवाद। भागलपुर एसएसपी ने दो अलग अलग मामलों का किया खुलासा, बोले अपराधी कितने भी शातिर हो बच नहीं सकते। टीएमयू के नए एनएसएस समन्वयक ने संभाला पदभार, कहा राष्ट्रीय पहचान दिलाना पहली प्राथमिकता। हेलोमेट्स हॉस्पिटल ने मनाई दूसरी वर्षगांठ, अनाथालय में लगाया शिविर। और निगम के कर्मियों ने रैली निकाल कर दिया स्वच्छता का संदेश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।